नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में एक बार आप लोगों का फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और काफ़ी सारे मेरे दोस्तों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर सर्बिया के बारे में कुछ बताइए। सर्बिया से हमें एक क्लाइंट का कैंडिडेट का फ़ोन भी आया कि सर सर्बिया में बैठा हूँ, आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अभी तो चलो लॉकडाउन है और सर्बिया के नाम पर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इसलिए मुझे ये वीडियो लाइव होकर बतानी पड़ी। और दुखद घटनाएं जब मेरे पास सामने आती है ना, तो मैं उन्हें झाड़ता भी हूँ, गुस्सा भी आता है कि यार आप लोग क्यों ऐसी बातों में फंस जाते हो। जब आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोग बस जाने से मतलब आपका मकसद सिर्फ वहाँ जाना है, तो यार आप कभी सेटल नहीं हो सकते, ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे लोगों को खुद अपने आप को खुद आप मूर्ख बनते हैं और फिर बाद में आप पछताते हैं कि हमने पैसा दे दिया, और अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुप गई खेत, आपका एजेंट वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्य मेरे सामने आया। और बलबीर सिंह जी पंजाब से बिलोंग करते हैं, कल की बात है, रात को मेरे को कॉल आया उनसे कि सर ऐसे ऐसा मैं सर्बिया आया, मुझे इंडिया से पहले आर्मेनिया भेजा गया और आर्मेनिया से मुझे फ़्लाइट करा के सर्बिया भेज दिया गया, और बोला गया कि सर्बिया से आगे हम आपको इटली भेजेंगे, टोटल खर्चा आपसे लेंगे हम 8 से 9 लाख रुपए का इटली में एंटर करवाने का। अब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने आपको बोला एंटर करवाने का, किस तरीके से एंटर करवाने का, कोई रीज़न तो होगा, ये कौन सा तरीका जिससे वो एंटर करवा रहा है, वो क्या सर्बिया की इमिग्रेशन में लगा हुआ है, या वो इटली की इमिग्रेशन वालों का क्या जमाई लगता है क्या जो वहाँ से उसको एंटर करवा देगा। तो सोचने वाली बात है थोड़ी सी यार, आप लोग पढ़े लिखे हो के सोचो कि मेरा मोटिव सिर्फ वहाँ जाके पैसा कमाना है, लेकिन क्या वहाँ पे इतनी जॉब्स हैं, क्या वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है, ये तो सोचो, ये तो स्टडी करो, वहाँ की कंट्री की GDP क्या है, ये तो आप देख लो, जिस कंट्री की GDP लो होगी वहाँ पे कैसे जॉब्स हो जाएंगे। दोस्तों सर्बिया एक टूरिज्म का कंट्री है, ये उनके लिए जॉब्स हैं, मैं बता दूं वर्क परमिट उनके लिए निकलता है जिन्होंने BHM किया हुआ है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, जो शेफ़ का काम जानते हैं, जो मेरे दोस्त फ्रंट ऑफिस का काम जानते हैं, जो मेरे दोस्त हाउसकीपिंग का काम जानते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी सारा चलता रहता है, आज अच्छी डिमांड है मैन पावर। लेकिन यार अगर बात करूँ मैं किसी ऐसे ही जिनको इंग्लिश भी नहीं आती और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज जॉब, मैं आपको झूठ बोल दूँ, लेबर की डिमांड है वहाँ पे, यूरोज में सैलरी मिलेगी और कितने कितने हज़ार यूरो बता देते हैं एजेंट आपको, ये सब झूठी बातें हैं, क्यों बेवकूफ़ बनते हो। वो लोग आपको सर्बिया से अगर आगे बोलते हैं इटली भेज देंगे, टैक्सी से बोलते हैं आपको, मैं बता देता हूँ आपको क्या बोला जाएगा जो भी एजेंट होंगे, कि सर्बिया से हमारी आगे सेटिंग है, हम आपको इटली पहुँचा देंगे 1 हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में, ये टाइम लगता है, और बोलते हैं आपको कि वाया टैक्सी लेके जाएंगे, ये कोई वाया टैक्सी नहीं लेके जाते, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये लोग आपकी टिकट कराते हैं। सर्बिया का जो वीज़ा है वो इंडियंस के लिए ऑन अराइवल है, यानी कि वहाँ जाके एक पासपोर्ट पे स्टैम्प मिल जाती है, और सर्बिया कुछ फीस चार्ज करता है तो स्टिकर भी देता है, लेकिन वो यहाँ एम्बेसी से लगवाना पड़ता है। वो लोग ऑन अराइवल लेते हैं, वहाँ से टिकट बुक कराते हैं आपकी, या यहीं से करा देते हैं पक्की टिकट और होटल बुकिंग, और जब आप वहाँ काउंटर पर जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप यहाँ क्या करने आए, तो मोस्टली लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती हम क्या करें, उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ से आगे भाग के बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे इलीगल, इंडियंस ब्लैकलिस्टेड हो गए हैं, मोस्टली लोगों के पासपोर्ट पे इस कंट्री ने डिवोर्स की स्टैंप लगा दी है। डिवोर्स की स्टैंप लगना एक बहुत ही बेकार चीज़ है, आपके पासपोर्ट की वैल्यू आप खुद घटा रहे हो ऐसे लोगों के चक्कर में आके, और जिसको एंट्री मिल भी जाती है तो क्या वो सर्बिया से आगे इटली पहुंच गया, कैसे पहुंचा, क्या क्या टाइम लगा उसको, और क्या क्या उसने धक्के खाए, ये सब चीज़ें सुनना ध्यान से, ताकि आप लोग सावधानी बरतो, अपने बच्चों को मत भेजो, मत पैसा खराब करो। बलबीर सिंह जी ने कहा कि एक लड़का उनके साथ और गया था, और ये पूरे पूरे ग्रुप से ग्रुप्स आते हैं, कुछ पाकिस्तानी वहाँ एजेंट बने हुए हैं जो बोलते हैं हम आपको सर्बिया से इटली लेके जाएंगे, असल में वो कुछ नहीं करते, सर्बिया से जो टैक्सी वाले होते हैं उनको बोलते हैं कि इसको बोस्निया के बॉर्डर के पास छोड़ा। सर्बिया से इटली जाने के लिए दोस्तों 3 कंट्री क्रॉस करनी पड़ती हैं, और 3 कंट्री मतलब है अगर आप 1 कंट्री क्रॉस कर रहे हो ना, यहाँ से बाघा बॉर्डर से आगे क्रॉस करके दिखा दो बिना वीज़ा के, सीधी गोली मारेंगे आप, तो आप खुद सोचो ना आप किसी और कंट्री में जाके ये काम कर रहे हो तो ये कोई अच्छा काम है क्या, कोई जायज़ काम है क्या, कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ना, इसमें बहुत बच्चे मर गए, बहुत लोगों की माओ के बेटे मर गए, और जब एक माँ पैसा देके अपने बच्चे को बाहर भेजती है तो वो उसके लिए बच्चा प्यारा पैसा प्यारा नहीं है, तो पैसा मत देखो पहले ज़िंदगी देखो। तो क्या बोलेगा बलबीर सिंह जी को, उनके साथ एक उनका दोस्त और था मनोज कुमार, ये मनोज कुमार जी गए यहाँ से जी सर्बिया, आर्मेनिया गए, आर्मेनिया से सर्बिया गए, एंट्री मिल गई सर्बिया में रहे होटल में 2 दिन, और बलबीर सिंह को बोला गया कि आप अभी रुकिए, आपके साथ और भी ग्रुप में भेजेंगे व्यक्ति, और एक ग्रुप पूरा हो चुका था, टैक्सी में 4 या 5 लोग बिठाए तभी तो टैक्सी वाले को कमाई होगी, वो सिंगल पर्सन को लेके नहीं जाते। और बलबीर सिंह जी वहीं पे स्टे किया, लेकिन मनोज कुमार को वो ले जाके उन्होंने सर्बिया के एंड में एक बोस्निया और सर्बिया के बीच में बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे एक रिफ्यूजी कैंप था, वहाँ बिठा दिया कि आप यहाँ रहिए, एक नाम लिखवा दिया, इनका पासपोर्ट उनका फाड़ दिया, रिफ्यूजी कैंप में वो बैठे हुए थे, और रिफ्यूजी कैंप में जब वो बैठे
तो अब क्या करेगा व्यक्ति, पैसा देके खराब हो गया, डिप्रेशन में आ गया तो क्या करेगा, वापस भी नहीं जा सकता, मुंह दिखाने के लायक नहीं है अपनी सोसाइटी को। तो यार ऐसे काम मत करो, ऐसे जेंटल से सावधान रहो। एक डिपोर्ट की स्टैंप लगी ना आपके पासपोर्ट पे तो आप अपनी ज़िंदगी खराब कर लोगे, क्योंकि डिपोर्ट होना बहुत घटिया चीज़ है, क्योंकि उस कंट्री को आप पे यकीन नहीं हुआ कि आप हम उनकी कंट्री में क्या करने आए। एक पासपोर्ट की वैल्यू आप खराब कर रहे हो। रिफ्यूज़ल होना अलग चीज़ है, वो तो एम्बेसी करती यहीं से, लेकिन डिपोर्ट होना, वहाँ पे चले गए, वहाँ जाके आप पे यकीन नहीं हो कि आप एक फेक पर्सन हो और एक आपका मोटिव सही नहीं है, तो उससे बढ़िया मतलब कि बेकार बात क्या होगी। तो आप ऐसी चीज़ें मत करो, इन एजेंटों से सावधान रहो। सर्बिया में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सर्बिया जाओ वही जो स्किल्ड कैटेगरी के हैं वो मत जाओ, कि जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं या वहाँ सिर्फ इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं। यही रिक्वेस्ट है, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव ए ग्रेट डे।